वो दौर था जब पत्रकारिता का मकसद लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना और उनके बीच जागरूकता फैलाना था। लेकिन आज कहीं ना कहीं पत्रकारिता के मायने बदले हैं। पत्रकारिता कई अन्य माध्यमों के जरिए सामने आई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब जर्नलिज्म। और इन सभी पत्रकारिता संस्थाओं को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा बहुत अधिक मायने रखता है। यही कारण है कि पत्रकारिता में व्यवसायीकरण बढ़ा है, क्योंकि पत्रकारिता पर व्यवसायीकरण इस कदर हावी हो गया है कि वो आए दिन अपने पैर फैलाता जा रहा है। यही मुद्दा है आज हमारी बेबाक राय का, जिसमें मैं अपने सहयोगियों से जानूंगी कि पत्रकारिता में व्यवसायीकरण किस हद तक सही है और गलत है। तो सबसे पहले मैं एडविन जी से जानती हूँ कि वो इस बारे में क्या मानते हैं। देखिए, आपने खुद बोला कि पहले हम लोग प्रिंट मीडिया में थे और बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सामने आए, तो आपको जरा सा मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंट मीडिया से जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं तो उसमें बहुत सारा सेटअप की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, नई नई तकनीक हम लोगों को लानी पड़ती है, तब कहीं जाकर हम एक सेटअप या एक चैनल को शुरू कर पाते हैं, और इसमें करोड़ों रुपये इन्वेस्ट होते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है जो उस चैनल को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा उनकी सैलरी देने के लिए, वो सब चीज़ों को जो हम लोग चला रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक वे पे लाने के लिए। तो पैसा आना चाहिए, बुरा नहीं है, व्यवसायीकरण होना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन मोटिव गलत ना हो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हम सिर्फ पैसे के ऊपर ही पूरी तरह से हावी हो जाएं, टीआरपी की रेस में ये भूल जाएं कि न्यूज़ सेंस है क्या, न्यूज़ क्या देना है, ऐश्वर्या की एक अगर छोटी सी खबर है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ में आती है, और अगर कश्मीर में कुछ लोग परेशान हैं उनकी खबरें नहीं आती, तो हमें ये तय करना है कि आखिर हमारा पैसा कमाने का मकसद अगर है भी तो वो सही है या गलत है। अगर हम कोई भी खबर दिखा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है पूरे समाज के ऊपर। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें पैसे को तय करना पड़ेगा कि भाई हमें पैसा भी कमाना है, और अगर पैसे का ढंग कमाने का सही है तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है। व्यवसायीकरण हर चीज़ में हुआ है और होता रहा है, अभी भी हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि बिना पैसे के मेरे ख्याल से कुछ भी चलाना इम्पॉसिबल है, उसको पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से नज़र नहीं आती, लेकिन एक दायरे में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एडविन जी ने बेहद ही सही बात बताई कि पत्रकारिता अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है और वो उसने एक नया रूप धारण किया है, और उस नए सेटअप के लिए कहीं ना कहीं पैसा बेहद जरूरी है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि व्यवसायीकरण बढ़े लेकिन मकसद ना बदले। अगर मकसद बदल जाएगा तो पत्रकारिता का रुख जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, या फिर यूं कहें पत्रकारिता में उतनी सत्यता नहीं रहेगी। इसी मुद्दे पर मैं गायत्री से जानती हूँ कि वो क्या मानती हैं इस बारे में। आपने बोला कि जर्नलिज्म है उसका कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, होना सही भी है, बिना पेट्रोल डीजल के तो गाड़ी भी नहीं चलती, फिर ये तो फिर जर्नलिज्म है। हाँ, जैसा कि मैं अभी एडविन सर को सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि व्यवसायीकरण होना चाहिए लेकिन उसके एक मानक होने चाहिए कि आप किसी जो चीज़ को तवज्जो देना चाहिए उसको छोटा सा कर दिया, और जिसको बहुत कम करना चाहिए उसको आपने एकदम लार्ज लेवल पर फैला दिया। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा नकेल होनी चाहिए, सोचना चाहिए क्या सही हो क्या गलत है। आप पैसे के चक्कर में इतना पड़ रहे हो कि एडवर्टीजमेंट, जैसे कि आपने न्यूज़ देखा होगा, हम लेते हैं ब्रेक, बीच में कट, क्या सेंस रह गया उसका? तो पहले आप पूरी न्यूज़ बताओ आपकी कैसे क्या क्या है, फिर आप ब्रेक लो। तो यानी कहीं ना कहीं उस चीज़ से ऑडियंस भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और आप सेंस दो न्यूज़ का कि वाकई में न्यूज़ की क्या सेंस है। गायत्री जी का मानना है कि पैसा पूरी तरह पत्रकारिता पर हावी ना हो, पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं उतनी ही जरूरी है जितना कि व्यवसायीकरण, लेकिन पत्रकारिता की अनिवार्यता उतनी ही बनी रहनी चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर मैं दीक्षा से जानती हूँ कि वो क्या कहती हैं। देखिए चिनू जी, जैसा कि गायत्री जी ने अभी कहा कि बीच में एक ब्रेक, फिर उसके बाद आगे बताते हैं, तो गायत्री जी हम एक तरह से पूरी तरह से न्यूज़ पे तो नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि वो खबरें नहीं दिखाते, पर खबरों को वो पहलू में बांट के दिखाते हैं, तो उसमें वो बीच में ब्रेक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आधी बात कह के वो कहते हैं कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, ऐसा। और व्यवसायीकरण की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा बहुत ही अनिवार्य है। अब बात ये होती है कि जब हम लोग न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं या हम मीडिया से हैं तो उस पैसे को किस तरह से कमाया जाए। दो तरीके होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब ये मीडिया कर्मियों पर निर्भर करता है कि वो किस रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन चैनलों को पूरी सही तरीके से दिखाया जाता है, जिनमें सही खबरें आती हैं, वो पैसा नहीं कमाते। लेकिन तरीका होता है हर चीज़ का, जिसे शायद आज के समय में मीडिया भूलता जा रहा है। दीक्षा जी का कहना है कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए पैसा कहीं ना कहीं जरूरी है। हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं अक्षय जी, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। जी चीनू, मैं अभी सुन रहा था सारे लोगों को, और बहुत अच्छा टॉपिक है कि पत्रकारिता में जो व्यवसायीकरण बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और देखा गया है कि पुराना दौर हमने देखा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पत्रकार होते थे जो लिखते थे,
और वो कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते थे लोगों तक। आज वो संदेश कहीं ना कहीं छिप गया है। आज आज की खबरें देखिए आप और पिछली खबरों को देखिए, बहुत सारे टीवी चैनल हैं जो तमाम उलझुल खबरें चलाते हैं, वो एक पत्रकारिता से संबंधित नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीआरपी की रेस में भागे जा रहे हैं कि उन्होंने अब न्यूज़ बेचना शुरू कर दिया है, पेड न्यूज़ आ रही हैं, अपने आप को टीआरपी की रैंकिंग में ऊपर लेके जाना है, उसके लिए समझौते, तमाम तरह के समझौते हो रहे हैं। पहले से पत्रकारिता का मकसद था लोगों का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, कहीं ना कहीं पत्रकारिता अपने मकसद से भूली जा रही है, ये मानना, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि व्यावसायीकरण की क्या आवश्यकता है। वास्तव में आवश्यकता है, अगर आप एक न्यूज़पेपर को ले लीजिए, एक नामी न्यूज़पेपर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वहाँ की एक मैंने रिसर्च देखी थी, उस पेपर की छपाई में और उसके वर्कर्स पूरे इंक्लूड कर लिए जाएं तो उस पेपर की कीमत 20 से 22 रुपए आती है, और जबकि वो आप लोगों को कितने में मिलता है, महज 5 रुपए में। तो कहीं ना कहीं इस जो गैप है, ये जो गैप है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको व्यवसायीकरण करना होगा, लेकिन साथ साथ लोगों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि पूरी तरह से हम लोग व्यावसायीकरण की ओर बढ़े जा रहे हैं, या ये नहीं कि पूरी तरह हम लोग पत्रकारिता की ओर, एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत अधिक इस तरफ को नहीं जाना होगा हमें, व्यावसायीकरण की ओर को। अक्षय जी ने बेहद ही अच्छी बात बताई कि दोनों ही चीज़ों को, पत्रकारिता को भी और व्यवसायीकरण को भी बैलेंस करने करके चलना होगा। इन दोनों का अगर हम मेल कर देंगे तो ना वो पत्रकारिता में सत्यता रहेगी और ना ही उतनी चीज़ें लोगों के सामने आ पाएगी। उन्होंने एक बात और कही कि पहले पत्रकारिता का मकसद समाज कल्याण के हित में भी होता था, लेकिन आज कुछ ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो उल जलूल चीज़ें ज़्यादा दिखाते हैं। अब मैं इन लोगों से ये जानना चाहूँगी कि अगर व्यवसायीकरण पत्रकारिता पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है तो उस पर किस तरह से रोकथाम लगाई जाए। तो सबसे पहले हम एडविन जी की ओर चलते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, जहाँ तक बात रोकथाम की है तो हमारे यहाँ बहुत सारे इसके लिए लॉबी हैं, खुद मीडिया का भी अपना पूरा बनाया हुआ है कानून सारे कुछ, लेकिन लेने के बाद वहीं पा जाती है कि जब हम बात करते हैं टीआरपी, पैसा कमाना या अपने चैनल को कैसे हम लोग चलाएं, आप देखते होंगे अमूमन कि रोज़ कुछ चैनल खुलते हैं, अखबार आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, कहाँ चले जाते हैं हमें कुछ खबर नहीं, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। वो जोश जुनून में शुरू तो कर देते हैं लेकिन पैसे का कोई साधन नहीं है, तो इस अभाव में वो सारी चीज़ें कुछ दिनों के बाद ही बंद हो जाती। तो पैसा कमाना या पैसा आना कोई गलत नहीं है, मैं फिर कहूँगा इस बात को। और जहाँ तक बात है कि पहले अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी एक समय एडिट बॉक्स होता था, लेकिन आज प्रॉफिट बॉक्स है। तो दोनों को अगर हम लेके चलें कि एक एडिट बॉक्स अगर प्रॉफिट बॉक्स में तब्दील होता है तो उसका कहीं जो हमारा कहने का सेंस होता था खबरों को, हमारा जो लोगों को जागरूक करने का मतलब होता था, एजुकेट करने का मतलब होता था, वो कहीं भटक तो नहीं गया है, उससे हम हट तो नहीं गए। और पैसे की भाग दौड़ में, कमाने की दौड़ में, कहीं हमने अपने आदर्शों, मूल्यों, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, उनसे हमने समझौता तो नहीं कर लिया है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वास्तविकता में हमें सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम फिर वही बात करें कि पैसा कहीं भी कोई गलत नहीं है। इंडस्ट्री में आप चले जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, फैशन में जाइए, स्पोर्ट्स लाइन में जाइए, आप बड़े बिजनेस में जाइए, आप हर जगह पैसा है और पैसे का ही हर जगह खेल है। लेकिन पैसा कमाने का एक तरीका होना चाहिए, वो आप किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से आपके पास पैसा जनरेट हो रहा है, आ रहा है, वो सबसे अहम पहलू है। और जब तक वो फेयर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जहाँ कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ हुआ, तो देश की जो जनता की आवाज़ है, दरअसल मीडिया है क्या, मीडिया एक देश और जनता के बीच ही कड़ी है, मीडियम है। और जब ये मीडियम बिगड़ जाएगा, मीडियम का जो एक बेस है वही कमज़ोर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से जनता की आवाज़ ना तो गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, ना गवर्नमेंट के बाद जनता तक। तो सबसे अहम बात यही है कि हम कम से कम उस चीज़ को ज़िंदा रखें, भले ही हम पैसा कमाएं, और कितना कमाएं ये अलग बात है, बट हमारा मोटिव एक साफ होना चाहिए कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों के पास हमें खबरें पहुंचानी है, वो भी बिना काट छाट की, बिना ऐसी को खबरें जो कि कोई गलत इम्पैक्ट न डालें। तो इन सब का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तभी इन सब चीज़ों पर रोकथाम लग सकेगी, जब टीआरपी की दौड़ से हम थोड़ा सा बाहर आएंगे। एडविन जी का मानना है कि चीज़ों में अति ना हो और हम अपना मकसद ना भूलें। इसी मुद्दे पर मैं गायत्री जी से जानना चाहूंगी कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। चीनू जी, आपने रोकथाम की बात की तो मैं कहूँगी, बताना चाहूँगी कि NBA न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी और BEA ये ऐसी संस्थाएं हैं जो न्यूज़ चैनल्स पे नकेल कसती हैं कुछ भी। जैसे आपने टिकट पे भी देखा होगा चलते हुए कि अगर आपको कोई भी न्यूज़ ख़राब लगे तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सेकेंड रही बात उसकी व्यवसायीकरण की, तो रोकथाम हमें अगर सेल्फ कंट्रोल है, अगर हमें पता है कि न्यूज़ की क्या वैल्यू है, अगर ये मास में जाएगी तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा,
तो उस हिसाब से जैसे कि अब मान लीजिए ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी है, सब जानते हैं कि उनका सलमान खान से अफेयर रहा है, ऐसा है, तो उनके कि उनको क्या क्या बेबी होगा या जो भी होगा, उस पर काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी न्यूज़ चैनल्स पे, बकायदा उस टाइम बहुत सी न्यूज़ होंगी, लेकिन मीडिया ने उसी को कैप्चर किया। क्यों प्रायोरिटी उसी को दी, ऐसा क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, तो जाहिर सी बात है, तो वो उसी चीज़ को बेचेंगे जो दिख रहा है, वो जो लोग पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण होना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव इसलिए है कि लोगों से बहुत कुछ पेड न्यूज़, जैसा कि अभी अक्षय जी ने बताया पेड न्यूज़ की, मतलब ये न्यूज़ आप छाप दो, ऐसा है वैसा है, पेड न्यूज़ के एवज में पैसे लेते हैं, तो ये गलत है चीज़। आप किसी जी एडविन जी मैम एक बात कह रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है। मैं फिर वही कहूँगा कि हम दरअसल न्यूज़ को बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, ये खबरों को दिखाने का माध्यम है, कोई एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है कि हम 1 करोड़ में फिल्म बना रहे हैं उसे 20 करोड़ में बेच रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी खबरें आ रही हैं तो जिस संदर्भ में वो आ रही हैं वो लोगों तक वैसे ही पहुँचे, उससे प्रॉफिट होना चाहिए, गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक थोड़ा तरीका हम लोग चेंज करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ बेचने के लिए खबरें दिखा रहे हैं, ये इस समय इत्तेफाक नहीं रखता हूँ गायत्री जी। मैं आपको बोलना चाहूँगा हमने इन दोनों से जाना कि किस तरह मीडिया में खबरों की प्राथमिकता और मूल्यों के आधार पर उनको चयनित किया जाना चाहिए। चलिए अब अक्षय जी से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी मैं अभी सुन रहा था और चिनू जी पत्रकारिता का मकसद जो रह गया है वो मनोरंजन नहीं रह गया है। अभी जैसे कि मेरे सहयोगी बात कर रहे थे आपस में कि मनोरंजन के हिसाब से हमें न्यूज़ देनी है। और अब रही बात रोकथाम की, तो आपने दूरदर्शन वाला दौर भी देखा है जब एक दबी हुई सी आवाज़ रहती थी और सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहता था समाचारों पे, तो वो बात नहीं आ पाती थी, कई ऐसे पहलू निकल के बाहर नहीं आ पाते थे जो छिपे हुए रहते थे। अब दूसरी चीज़ यह है कि आपने एक मीडिया का थोड़ा बहुत स्वतंत्र रूप भी देखा हुआ है जिसमें कि ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो वहाँ पे नाग नागिन जैसे, इच्छाधारी नागिन जैसे इस टाइप के जो खबरें निकल के आ रही हैं वो एक बेहद ही गलत है कि वो सीधे सीधे आपका मनोरंजन कर रही है, ना कि वो जनता के लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद है। तो अब बीच का रास्ता निकालना होगा, कुछ हस्तक्षेप सरकार को बढ़ाना पड़ेगा जो व्यवसायीकरण वाले न्यूज़ चैनल हैं उनकी तरफ, और कुछ हमें स्वतंत्रता देनी होगी दूरदर्शन या सरकारी जो चैनल है, सरकारी तंत्र जो है उसको छूट देके, जैसे कि और देशों में मैं बीबीसी का उदाहरण देना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा उदाहरण है, वहाँ पे इतना ज़्यादा दबाव सरकार का नहीं है न्यूज़ देने के लिए, कुछ उस ढंग का देना होगा कि जिससे खबर की सत्यता भी बनी रहे और वो लोगों तक पहुँचे भी और सारी चीज़ें निकल के सामने आए। अक्षय जी का मानना है कि चीज़ों में हस्तक्षेप अगर होगा तो उतनी चीज़ें साफ आ पाएंगी। और दूसरी उन्होंने एक बेहद अच्छी चीज़ बताई कि जैसे जैसे मीडिया का विस्तार हुआ है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आई हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें हम गलत तरीके से ही समझें या फिर गलत तरीके से ही जानें, लेकिन कुछ पेड न्यूज़ चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो व्यवसायीकरण के चलते उलझुल चीज़ें दिखाते हैं। इस चीज़ के बारे में मैं दीक्षा से जानती हूँ कि वो क्या कहती है। जी चीनू जी, जैसा कि आपने कहा उलझुल चीज़ें दिखाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे टीवी चैनलों पे देखने को मिलता है कि वो न्यूज़ चैनल होते हैं लेकिन उनके बीच बीच में तमाम तरह के बाबा, जड़ी बूटियाँ, इनकी खबरें आती रहती हैं। तो अगर मैं ये नहीं कहती कि वो बाबा जड़ी बूटियाँ वो अपना प्रचार ना करें, लेकिन उनके लिए एक अलग एक चैनल हो सकता है या कोई अलग चीज़ हो सकती है जिसके माध्यम से लोग उन्हें देख पाएँ। लेकिन एक न्यूज़ चैनल, क्योंकि आजकल के टाइम में व्यक्ति बहुत बिजी है, सभी लोग अपने अपने कामों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरे दिन न्यूज़ चैनल देखे, सुबह 8 बजे वाली ही न्यूज़ देखे, वो शाम को 3 बजे जब आए तब वो निर्मल बाबा चल रहे हों और वो न्यूज़ ना देख पाए। अधिकतर अमूमन ऐसा होता है कि वो न्यूज़ चैनल खोल के बैठते हैं और जड़ी बूटियाँ वगैरह, इस तरह से जो दर्शक है वो भी कहीं ना कहीं हताश होता है कि किस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं न्यूज़ चैनल पे। और मैं मानती हूँ कि एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो गलत नहीं है, जैसा कि उनकी एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, 2 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा, तो उसमें भी जनता जानना चाहती, वो भी एक तरह की खबर ही है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वो भी खबर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया या देश में कुछ बड़ी दुर्घटना घटी वही एक खबर है, खबर वो भी है। तो व्यवसायीकरण हर तरह से गलत नहीं है, बस उसे सही लिहाज से यूज़ किया जाए। जिस तरह हमने लोगों से जाना, हमें मिली जुली राय मिली, लोगों का मानना है कि व्यवसायीकरण की अति ना हो और पत्रकारिता का मकसद कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए। आज के बेबाक राय में इतना ही, अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार, मैं चीनू।